भारत माता की जय हिंद, जय कांग्रेस। मुझे आज खुशी हुई कि आज के दिन भुवनेश्वर में इतनी बड़ी संख्या में जो मीटिंग हो रही है ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इसीलिए मैं ओडिशा के कांग्रेस पार्टी को, अध्यक्ष को, सीएलपी लीडर को, पार्टी के एमएलए एमपीज को और सारे कार्यकर्ताओं को बहुत मेरा धन्यवाद है। सभी को आप मेरा नमस्कार। ये एक ऐतिहासिक मीटिंग है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं अब 82 साल का हो गया हूं और 82 साल में मुझे ये कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप दी गई है। मैं जब उम्र में 29 साल था उस वक्त मुझे एमएलए बनाया गया। मैं आज तक एमएलए एमपी राज्यसभा मेंबर, एक दिन भी ऐसा नहीं गया मैं कोई एमपी या एमएलए के बगैर ना हो। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। और जो अच्छा काम करते हैं उनको हमेशा कांग्रेस देश के हित में सभी को प्रोत्साह करती है। तो आज के इस मंच पर पधारे हुए हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार जी, सीएलपी लीडर नरसिंह मिश्रा जी, पीसीसी प्रेसिडेंट श्री शरद पटनायक जी, भक्त चरणदास जी, सभा के संयोजक जयदेव जेना जी, सांसद सप्तगी उल्का जी, सभी विधायकगण और भुवनेश्वर के डीसीसी प्रेसिडेंट विश्वजीत दास, कटक डीसीसी प्रेसिडेंट मानस चौधरी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, एआईसीसी पीसीसी के सभी ऑफिस बेयरर्स, सभी घटक के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, वुमन हो, सभी जिन्होंने इतना परिश्रम उठाकर ये सभा में आए हैं, यह सभा आयोजित की है। और मेरे मीडिया के दोस्त भी यहाँ पर हाजिर है, उन सबको मैं याद करते हुए मैं अपने चार शब्द आपके सामने रखूंगा। ये जगन्नाथ जी का पुण्य क्षेत्र है और कलिंगा भी एक बहुत बड़ा इतिहास में नाम रखने वाला ये भुवनेश्वर आज जो है इसकी भी इतिहास में भारी चर्चा है। यह हम सबका सम्मान करते हैं और सभी को हम ये जो हमारी आस्था है यह आस्था में हम विश्वास रख के जो चलते हैं उन सभी को अपना और एक बार
नमन करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की नजर में उड़ीसा एक विशेष स्थान था। यहां तक कि उनके जीवन का आखिरी कांग्रेस अधिवेशन उन्होंने 1964 में उड़ीसा में ही अटेंड किया। तो ये आखिरी कांग्रेस की जो यहां पर अधिवेशन हुआ, ये बहुत बड़ा अधिवेशन भी हुआ, बहुत से निर्णय भी हुए और सारे देश के जनता को अपनी आइडियोलॉजी का जो असर डालना था वो यहीं पर हुआ। इसीलिए ओडिशा महत्व का है और हमारे पार्टी से पहले जो चीफ मिनिस्टर थे बीजू पटनायक, और वो पटनायक जी नेहरू जी बहुत दोस्त थे। नेहरू जी की आइडियोलॉजी को मानने वाले पटनायक थे पहले के, लेकिन आज के पटनायक बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानने वाले। इनका ऐसा हो गया है पाप बिचारे का, पानी तेरा रंग कैसा है अगर कोई पूछे, साहब जिसमें डालो वैसा है। अगर आप हरा रंग डालो मैं हरा, पीला डालो पीला, भगवा डालो भगवा। तो ये ऐसी परिस्थिति इनकी है। अब वो पटनायक ये पटनायक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए जो दोस्ती, कोई बोला यहां पर हमारे इग्नोर बोला, अजय डॉक्टर अजय कुमार ने बोला, वो आपने आपने जरा गलत बोला कि वो दोनों हमने उन दोनों को हमने शादी करवाई बोले। अरे तुम नहीं कराए भाई, वो तो लव मैरिज कर लिए हैं। वो एक दूसरे से मोहब्बत से मिलके कर लिए, कोई अक्षता नहीं डाला, कोई बिलाए नहीं, कोई साथ फेरे नहीं लिए, कुछ नहीं। कहां मिले वहां दोस्ती हो गई, और इसलिए दोस्ती हो गई दोनों मिलके हम ओडिशा को बर्बाद करेंगे। ओडिशा का जो ये है माइंड से दोनों मिलके बेचेंगे, अगर खाना भी है तो मिलके खाएंगे। इस वजह से उनका जो लव मैरिज है उसको तुम पक्का मत समझो, लव मैरिज में कभी कभी उल्टा भी होता है। और दूसरी चीज, मोदी जी और खासकर हमारे पटनायक जी आज के क्या पाए, ये दोस्ती करके क्या पाए आपने? अरे कभी कभी डबल इंजन फेल होती है और डबल इंजन काम नहीं करे तो पहला इंजन भी फेल होता है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदीप पोर्ट दिया, दिया कि नहीं? प्रदीप, हाँ हाँ, और रोरकेला स्टील प्लांट किसने दिया? कांग्रेस ने दिया ना, क्या मोदी ने दिया? नहीं। और चिल्का नावल एकेडमी किसके जमाने में हुआ? और मानचेश्वर में रेल कोच फैक्ट्री हुई, कब हुई? अच्छा, एचएएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कब बने? कांग्रेस के जमाने। फिर पटनायक और मोदी ने मिलकर क्या लाया?
अरे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कांग्रेस ने लाया, नेहरू जी ने लाया और उस वक्त के पटनायक जी साथ दिए, ये काम हुआ। और आप अब क्या कर रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ के पूरे जो नैसर्गिक संपत्ति है इसको लुटाने के लिए परमिशन दे रहे हैं। और कई भुवनेश्वर में एम्स, निसर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, शिक्षा संस्थान, ये सभी जो हुए हैं ये सब हमारे टाइम में हुए हैं और ये कांग्रेस का देन है। और हमारे को बार बार पूछते हैं मोदी जी, आपके पास आके पूछे या नहीं मुझे मालूम नहीं, वो हमेशा ये कहते हैं मोदी जी 70 साल में कांग्रेस क्या किया। अरे भाई हम 70 साल में कुछ नहीं करते, मोदी जी आप चीफ मिनिस्टर ही नहीं बनते थे। हम देश के संविधान को बचाए, देश के लोकतंत्र को बचाए, इसीलिए आप वहां हो। आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान को बर्बाद कर रहे हैं। जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके यहाँ के देश के लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, यानी सभी लोग बराबर, सबको हक, पहले नहीं था, ब्रिटिश के जमाने में था। आज नीचे से काम करने वाले एक खेत मजदूर को भी उतना ही हक है वोटिंग का, और उसकी कीमत भी उतनी है जितनी एक जमींदार की है, बड़े मालिक की है। कारखाने में काम करने वाला एक मजदूर, उसके वोट को भी उतनी ही कीमत है जितना मालिक को है। ये किसने किया? हमने किया। और आपको सभी को अधिकार दिया, महिलाओं को सुनिए, पूरे देश में 50 साल 100 साल के पहले जहां भी डेमोक्रेसी है वहां महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। जैसा कि मनु ने महिलाओं को कमजोर करने के लिए उनका काम उन्होंने बताया सिर्फ घर में ही रहना ठीक है, लेकिन ये नेहरू जी की देन है, अंबेडकर जी की देन है। जब आपको आजादी मिली, जब संविधान बना, उस दिन से जब वोटिंग राइट आ गई महिला को भी उसी दिन मिला। यह इतिहास है और दुनिया में कोई ये काम नहीं किया, हिंदुस्तान ने किया। और हिंदुस्तान ने करके आज महिला को चाहे जिला परिषद, ग्राम पंचायत, एमएलए, एमपी, आज जो इतने लोग बड़े बड़े लोग महिला बहुत बड़े अपने पोस्ट पे है, ये सब हमारी देन है, कांग्रेस की देन है। और ये लोग कांग्रेस के खिलाफ रोज उठ के बोलते हैं, बड़े बड़े लोग उनके साथ है, बीजेपी के साथ, पटनायक के साथ। कौन है? अमीर लोग है, अमीर लोग। और गरीबों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी हुई है। अरे यहां ओडिशा में 29% शेड्यूल ट्राइब लोग है, 16% एसटी है, एससी है, बैकवर्ड्स अधिक है। इसके बावजूद भी इन लोगों को कोई आज तक बड़ा काम नहीं मिला,
ये पटनायक के गवर्नमेंट में। कोई बड़ा आदमी या कई बड़े उद्योग पे इन्होंने नहीं बिठाया। इसीलिए आप हिम्मत करो, एक हो जाओ, अपने हकूक के लिए लड़ो। मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे से लड़ो, वो मोदी करते हैं डिवाइड एंड रूल, लेकिन मैं नहीं। मैं देश को एक रखना चाहता हूं। राहुल जी देश को एक रखना चाहते हैं। राहुल जी तो बोले, भाई मैं तो मोहब्बत की दुकान खोला हूं, नफरत की नहीं। लेकिन यहां बीजेपी आरएसएस ये तो नफरत की दुकान खोल के बैठे हैं, और इसी के वजह से आपको होशियार रहना चाहिए। अगर आप ये कहें, अरे सुनो भाई, सुने तो ही ज्ञान आता है, ज्ञान आए तो ही आप बोल सकते हैं। स्लोगन शाउटिंग मेरे लिए कले तो मैं खुश हो जाऊंगा, बाकी का समझ तो नहीं पाएंगे। देखो, बीजेपी और आरएसएस इतनी बुरी है और उसके संग में इनो है। फर्ज करो, अगर कोई आदमी, हम कहते हैं भाई ये विष के जैसा है, ये लोग बहुत डेंजर है, इसीलिए उनको दूर रखो, उनको टेस्ट मत करो, हमने कहा। अगर कोई ये कहता है भाई हम बोलते हैं ये विष है, पॉइजन है, इसके पास मत जाओ, उसको देखो मत। अगर कोई ये भी कहता है नहीं वो विष है या नहीं, मैं जरा चाट के देखता हूं, तो क्या होगा? अरे तुम चाट के देखे तो भी मरेंगे, दूर से देखे तो उनका अन्याय अत्याचार भी तुमको मालूम होगा। तो जैसा ये आरएसएस और बीजेपी, ये विष जैसे है, पॉइजन है, एक एक करके हमारे हकों को छीन ले रहे हैं, एक एक करके हमारे जितने भी हक थे, महिलाओं के हो, एसटी के हो, एससी के हो, वो सब खत्म कर रहे हैं। आप देखिए बाजू मणिपुर में क्या हो रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, सैकड़ों गाड़ियां जल गए, घर जल गए। कहां है मोदी जी, कहां है बीजेपी? यहां सिर्फ हमको दिखाने के लिए वहां यहां ऐसा फिरते हो? जाके अपनी सूरत बताओ मणिपुर में, जाके बताओ नागालैंड में, तब आपको मालूम होगा। देश का, देश को एक रखने के लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़ती है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप में वो हिम्मत नहीं। जब इंदिरा गांधी जी को कहा गया, और इंदिरा गांधी जी भी ये जानती थी कि आज नहीं कल मुझे धोखा है, मेरे जान को खतरा है, फिर भी मैं डरने वाली नहीं है, बोल के उन्होंने अपना आखिरी भाषण कहां कहा था? यही कहा था। जो नेता ने आखिरी भाषण यहां कही, जाने का बाद उनके शरीर में 32 गोली डाल के उनको मार दिया। क्या कसूर था? क्या किसी के पैसे लूटे थे? क्या किसी का माइन लूटा था? क्या किसी की संपत्ति हड़प की थी? उनको, उन्होंने देश को एक रखना चाहते थे, लेकिन ये लोगों ने मार दिया। राजीव गांधी यही चाहते थे, जैसा मां देश को एक रखना चाहती है वैसा ही हम भी करेंगे। तब उन्होंने भी जब मद्रास में, चेन्नई में गए, श्री पेरम्बूर में जब मीटिंग हो रही थी, तब एक महिला ने सीढ़ियों पर ठहर के स्वागत करते हो, वो महिला अपने कमर पे मानव बॉम्ब
बनाकर लेकर बांध के लेके गई थी और वो हार डालते डालते उनके गले में बॉम्ब स्फोट हुआ और राजीव जी के देह का शरीर का टुकड़े 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 हो गए। उनका सूरत भी कोई पहचानता नहीं था, उनका शरीर के हर एक भाग अलग अलग हो गए थे। वो किसके लिए उन्होंने किया, वो देश के लिए किया कि अपने लिए किया, बोलिए आप। फिर ये पटनायक को समझ में नहीं आता, ये आरएसएस को समझ में नहीं आता, ये बीजेपी को समझ में नहीं आता। ऐसे लोग हमारे देश के लिए जान दिए और मोदी जी सबकी जान ले रहे। वो ये जानते हैं, बैठ डालो, हमारी बात नहीं सुनता, ईडी का रेड करो, इनकम टैक्स का रेड करो और आईटी का रेड करो, ये सब करके उन्हों हुकूमत चला रहे। हम प्रेम से हुकूमत चलाए, एक दूसरे को गले लगा के हमने सरकार चलाई और आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस के वजह से है। शिक्षा, दवाखाने, स्टील फैक्ट्रीज, पूरे देश में कुछ ना कुछ अगर दिखता है वो कांग्रेस का दिखता है। उनके क्या दिखते हैं, उनका कुछ नहीं, लोगों को लड़ाने के लिए चलो तुम लड़ते रहो मैं मजा करता हूं बोल के वो लोग अपने छवि बना लिए। तो आपको सोचना है। आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे हैं आप, परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का, कौन है, देखो एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा, क्या यह संविधान बचेगा, क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए यह आखिरी चांस है आपको वोट देने का, इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना लेंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है, अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। क्योंकि पहले तो गुलामगिरी करके आए ब्रिटिश के जमाने में, और ये एससी एसटी ओबीसी वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, अरे हमारा देश तो गुलाम था लेकिन आप लोग गुलामों के गुलाम थे। क्योंकि जितने अमीर थे, अमीरों के पास इन्हों काम करते थे गुलाम, अमीर लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, तो वो एक के गुलाम,
और ये गरीब लोग गुलाम के गुलाम उनके पास काम करते थे। इसलिए सोचो भाई, फिर से आप गुलाम बनना चाहते हो? फिर से आप शिक्षण से दूर रहना चाहते हो? फिर से आप जो आपको हक मिला है नौकरी का, वो जो छीन ले रहे उसको आप मानते हो? देखो, देश में आज भी 30 लाख वैकेंसीज है और 30 लाख वैकेंसीज मोदी भर रहे हैं। रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, पब्लिक अंडरटेकिंग में है, टीचर्स में है, सेंट्रल स्कूल्स में है, सैनिक स्कूल्स में है, ये सब में है। तो 30 लाख लोगों को भरने का काम आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इसमें एससी एसटी ओबीसी ये लोगों को हिस्सा मिलेगा, वो लोग नौकरी आएंगे, वो लोग नौकरी के पक्के हो जाएंगे, तो इनको जैसे थे 1947 के पहले वैसा ही रखने के लिए मोदी जी ये चाल चल रहे हैं। और एक बात मैं कहूंगा, एक मोदी साहब की एक आदत है झूठ बोलना। आप कोई दूर दूर रह के कोई बीजेपी या बीजेडीपी के लोग सुन रहे हैं तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किसने किया? अब कम से कम 20 करोड़ नौकरियां होना था, दिए आपको नौकरी, फिर बोल रहे हैं आज पेपर तो आप रोज पढ़ते हैं, पेपर में हेडलाइन क्या है? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरियां नहीं देना। ये मैं झूठ बोल रहा हूं? उन्होंने बोला 15 लाख काला धन बाहर से लाके आपके जेब में डालूंगा। डाले? फिर कौन झूठ बोल रहे? अरे जोर से बोलो ना, कौन झूठ बोल रहे? मैं झूठ बोल रहा हूं? राहुल गांधी झूठ बोल रहे? सोनिया गांधी झूठ बोल रहे? अरे आप तो आप बोले सो बात, हम अगर बोलते तुमको थोड़ा खिचखिचाहट होती है। आपने ही कहा, हम नहीं कहे। किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, किसने बोला? मोदी किया। फिर झूठ कौन बोले? और झूठों के सरदार उनो हो गए, कांग्रेस को गालियां देते, कांग्रेस क्या कर रही है? अरे हमने तो ये सब किया, बहुत कुछ है मेरे पास, वक्त कम है क्योंकि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको कम कर रहा हूं। ये आपने किया, हमने क्या किया? गरीब को काम मिलना, नरेगा योजना लाई, गरीब का पेट भरना, कम से कम बच्चों का, गरीब का एक दिन की रोटी तो उसको मिले, एक दिन का चावल तो मिले, तो इसीलिए मनरेगा स्कीम भी लाए और फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लाए। आपने क्या किया? मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहा हूं। अरे भाई, फ्री देने से पहले कौन दिए? कांग्रेस दिया। अब 5 केजी बढ़ा के उसमें रख के मैं इतना फ्री राशन दे रहा हूं, देश के लोगों को मैं, हमारे माताओं को मैं पेट भर रहा हूं। अरे मनरेगा हमने किया, फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या बोलते हैं उसको, अन्न सुरक्षा कानून हमने किया, और बच्चों को पढ़ाई के लिए हमने फ्री एजुकेशन किया, ये सब हमने किए। फिर भी मोदी जी झूठ बोलना नहीं गए, उनके आदत है, पाप आदत से मजबूर है। अगर मोदी जी और पटनायक यहां के चीफ मिनिस्टर मिलके काम करके
अगर आपको खुशहाली के तरफ ले जाते हैं तो ठीक बात है, लेकिन दोनों मिलकर और क्या किया। यहाँ ओडिशा से बहुत से हमारे नौजवान बच्चे बेंगलुरु जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बंबई जाते हैं, दूसरे तरफ जा रहे हैं। क्यों क्यों तुम क्या कर सो रहे हो? आप नहीं सुनते? इतने बच्चे, इतने लड़के, इतने लड़कियां जो बाहर जा रहे हैं, छोटी सी नौकरी करते हैं और तुम उनको भगा रहे। उनकी बात आप नहीं करते। आप उनकी बात इसलिए नहीं करते हैं, वो गरीब है। आप किसकी बात करते हैं? अदानी की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, टाटा बिरलाओं की बात करते हैं, लेकिन छोटे लोगों की बात करते नहीं। इसीलिए ये लड़ाई भी अमीर और गरीबों के बीच में है। हम गरीबों को साथ दे रहे हैं और ये लोग अमीरों का साथ दे रहे हैं। क्या आपको चाहिए गरीबों का साथ देने वाला सरकार या अमीरों के साथ देने वाला? तो आप मन बनाइए, सब लोग मिलके काम कीजिए। इन्होंने पटनायक भी बोले, मैं हर एक ब्लॉक में 35% इरिगेशन करूंगा। सच्चे ने क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उन लोग झूठ बोल रहे। 35% इरिगेशन फैसिलिटी का इन्होंने 11 और 12 और 20 साल से वायदा अधूरा है। सबसे ज्यादा कांस्टेंट आपको, आपकी गवर्नमेंट तो कभी नहीं गई ना, कंटिन्यू है। फिर कंटिन्यू गवर्नमेंट को यह काम करने के लिए क्यों नहीं हो रहा है, मैं पूछता हूं। और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज भी बोले आप, 314 ब्लॉकों में कोल्ड स्टोरेज सुविधा मिलेगी। अब 20 साल हो गए, कितने मिले मुझे मालूम? तुम्हारे गांव में मिले? अरे ये 314 ब्लॉक में कोई किसी, आप किसको तो मिला होगा? 300 लोगों को तो मिला? नहीं भाई, 100 को तो मिला होगा? नहीं, 200 को तो मिला होगा? नहीं तो 14 को तो मिला होगा? ऐसा कैसा होता भाई, इतना झूठ बोलते हैं आपके चीफ मिनिस्टर? तो आप सोचो, अरे भाई एक आदमी ऑफिसर को ला के बिठा के आप गवर्नमेंट चलाते हो क्या? यहाँ के नेता लोग जिंदा नहीं है? वो काम नहीं कर सकते? अरे ओडिशा के ऑफिसर्स, ओडिशा के लीडर देश को मार्गदर्शन कर सकते हैं। तुमको मार्गदर्शन करने के लिए बाहर का आदमी चाहिए? क्यों? क्योंकि आपकी खुशामती करते फिरता है और उसकी क्या जरूरत है भाई? तुम्हारे पास बहुत लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत से IAS भी है, IPS भी है, और ये अब खेती भी अच्छी हो रही है, राइस भी यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। इतना रहते हुए भी एक ऑफिसर के पीछे गिरे, उनको कुछ बनाया ना? ऑफिसर रात खाली चला रहे सर, कुछ नहीं किया। नहीं भाई, उनको कुछ राज्यसभा मेंबर बनाया है क्या, एडवाइजर बनाया क्या है? तो एक आदमी बाहर का आके एडवाइजर बनता। तुमका एडवाइस नहीं चाहिए उनको, तुम अच्छी बात जो कहते हैं वो नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही आदमी चाहिए जो तमिलनाडु का केडर का IAS ऑफिसर है, वो आए तो बस। और मैं और एक बात आपको कहता हूं, क्योंकि बहुत देर हो गई, यहां पर जो उड़ीसा में कम से कम हजारों वैकेंसी है सरकार की, ओडिशा में 45 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार है और 2,36,000 पद विभिन्न सरकारी विभागों में खाली है। हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2,36,000 नौकरियां
खाली है। देव भाई नौकरियां जब 45 लाख नौजवान लोगों को नौकरी ने कम से कम 202 लाख तो दीजिए। ये आंकड़े मेरे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के है, ये मैं नहीं बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे को पार्लियामेंट में कहती है उसका हमने नोट कर लेके आए हैं। और हमको मत सिखाओ कैसा चलाना, कैसा बोलना, कैसा, ये इनकी एक चाल है गरीबों को तंग और तबाह करना और पार्टनरशिप में गवर्नमेंट चलाना, ये उनका एक हमेशा एक बहुत बड़ा ये साजिश है। और कई लाखों रुपए लूटे गए माइंस में, 20,000 करोड़ रुपए चिटफंड में गए या नहीं गए, तो अब आप ही सोचिए इनको फिर से अधिकार देना क्या, फिर से यहाँ के एमपीज को फिर आप वोट देकर फिर मजबूत करेंगे, करप्शन को मजबूत करेंगे, गरीबों को तबाह करने वालों को मजबूत करेंगे, गरीबों के हकूक छीनने वालों को आप मजबूत करेंगे। इसीलिए आपसे मैं आपको एक ही निवेदन करता हूं, और हमारे जो महिलाएं हैं उड़ीसा के गरीब काम करने वाले, और वो तो महंगाई आप बेचारों गरीबों को मालूम होती है, दूसरों को महंगाई की मार नहीं गिरती है क्योंकि वो अमीर है, कितना बोले उतना लाता, पूछता भी नहीं अपना नौकर कितने में खरीदा, सीधा कोई लाता है घर भर लेता है। लेकिन इसकी मार तेल आटा और बाकी के जो किराने के सामान है, दाल है, पल्सेस है, ये खरीदने वालों को मालूम होता है कितना महंगा है, उसको कितना पैसे देना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं हम हमेशा पार्लियामेंट में भी उठाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का उठाते हैं, किसानों के बारे में भी हम उठाते हैं, लेकिन मोदी जी इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। 146 एमपीज को उन्होंने सस्पेंड किया, बाहर डाला, और जो कानून थे, जो गैर कानून थे, जो ठीक नहीं थे, पब्लिक के लिए ठीक नहीं थे, वो जो हम लड़ रहे थे, वो लड़ने वाले लोगों को एक एक करके 46 लोगों को बाहर निकाल दिए। अरे ऐसी डेमोक्रेसी चलती, सबको बाहर निकाल के अगर आप अपनी सरकार को चलाते हैं, आगे सबको वोटिंग पावर भी आप नहीं देते, बंद करके अपने रशिया के पुतिन के जैसा आप चलेंगे। तो भाइयों, मैं एक ही आपको विनंती करता हूं कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ये चार मुद्दों पे हमारा जो संविधान खड़ा हुआ है, इसको आप मजबूत करो, इसके लिए लड़ो, और हम आपके साथ हैं, आप डरो मत। अब राहुल गांधी को डराने की बहुत कोशिश हो गई, क्या डर गए? हमारी यात्रा निकली मणिपुर से गया आसाम, नागालैंड से मणिपुर, आसाम से अब निकला वेस्ट बंगाल, और उसके बाद बिहार, झारखंड, सब बात है आगे। तो ये जो हम कर रहे हैं किसी को खुश करने के लिए नहीं ना, जनता के जो समस्या है उसको हम हाईलाइट करने के लिए हम कर रहे हैं। तो इसीलिए भाई ये समझिए, सोचिए, और जो एक नौजवान लीडर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलता है,
जनता के समस्याओं को छुड़ाने के लिए, उसको साथ देना हम सबका कर्तव्य है। और बैठ के खाने वालों को आप सपोर्ट करेंगे या जो आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक चलने वाले, तुम्हारे समस्या को हाईलाइट करने वाले को आप मदद करेंगे, बोले। तो इसीलिए मैं आप सबसे एक ही मेरा अपील है, आने वाले चुनाव में आप कांग्रेस से लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जरा जरा ठीक है, बाद में जरा उतरने दो, उसके बाद में ठीक हो जाए। तो इसीलिए जो चंद लोग कर रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति जाने से गठबंधन कमजोर हो गया, अब भाई देश में किसी एक व्यक्ति जाने से देश कमजोर होता है नहीं, वैसा ही एक दो व्यक्ति जाने से गठबंधन कभी कमजोर नहीं होता। हम उभर के आएंगे, एक है, सब मिलके काम करेंगे, ये बीजेपी को, पटनायक जी को हम हराएंगे, और ये चले गए तो भारत शुद्ध होता है, और जब शुद्ध होता है नए श्री से काम करेंगे, प्रोग्राम लाएंगे, आपके दुख और दर्द को समझ के हम कदम उठाएंगे। इतना कहते हुए मेरे चार शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।